प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 31 मार्च 2021 की बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4-9 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने अपमान करने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ना मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें, मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्याएं 14-25 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। 12 में से एक जो यूदस इस्कारियोती कहलाता था महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज का पहला पाठ जो कि नबी इसाईस के ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें ईश्वर के सेवक की दीनता और सहनशीलता का वर्णन किया गया है। यदि हम ईश्वर के सेवक अर्थात ईश्वर के शिष्य के विषय में बात करें तो वह अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर कान देता है और उसे थके मांदे लोगों को भी सुनाता है। लेकिन
बहुत बार देखा जाता है कि लोग ईश्वर की वाणी को सुनने से इनकार करते हैं और प्रभु के सेवक के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। उसे वे कई तरह से सताने की प्रयास करते हैं, लेकिन एक सच्चा सेवक अपने जीवन की परवाह नहीं करता है। धर्म सतावट और अपमान को भी सहन करते हुए प्रभु के वचनों को लोगों को सुनाता है। वह जानता है कि अंत में उसे निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ईश्वर उसकी सहायता करता है। वह जो कुछ करता है उसे प्रभु से प्राप्त करता है और प्रभु की महिमा के लिए करता है। प्रभु ही उसका कान और उसका मुंह खोलता है। प्यारे भाइयों बहनों, जब कोई व्यक्ति जिसको हम प्यार करते हैं उस पर विश्वास करते और भरोसा रखते हैं, चाहे वे हमारे माता पिता हो, बेटा बेटी, मित्र शिष्य या गुरु हो, यदि वे हमें धोखा देते हैं या विश्वासघात करते हैं या हमारे प्यार को ठुकराते हैं या फिर हमारे विश्वास को तोड़ते हैं, तब इस प्रकार के व्यक्ति को हम कुछ भी संज्ञा दें कम है। संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 24 में यीशु इस प्रकार के लोगों को धिक्कारते हुए कहते हैं कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। आज के सुसमाचार पाठ द्वारा यीशु यूदस इस्कारियोती के बारे में कहते हैं, जिसने अपने गुरु को रुपये के लालच में बेच दिया। इस बात से स्पष्ट होता है कि यूदस यीशु का सच्चा शिष्य नहीं था। वह तो पैसे के लालच में पड़ा हुआ था। वह इसलिए प्रभु का शिष्य होने के लिए स्वीकार किया था कि यीशु की प्रसिद्धता लोगों में बढ़ रही थी, अतः यूदस कुछ पाने के उद्देश्य से यीशु का शिष्य बनता है। यद्यपि यीशु उसके चरित्र के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी उन्होंने यूदस इस्कारियोती को अपने ग्रुप में उसे एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी थी। यीशु ने उसे समुदाय के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए नियुक्त किया था, अतः जो भी पैसे मिलते थे यूदस के पास रखा जाता था। यूदस सेवा सत्कार के कार्यों में रुचि नहीं रखता था। वह तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यीशु का शिष्य बना था। उसके जीवन में एक भी अच्छाई नहीं थी। उसका जीवन बुराई से जकड़ा हुआ था। इसीलिए उसने अपने गुरु को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। प्यारे मसीह विश्वासियों, सवाल आता है कि यूदस ने क्यों यीशु के साथ विश्वासघात किया? इसलिए कि उसने भी अन्य शिष्यों की तरह ही उम्मीद रखता था कि यीशु राजनीतिक विद्रोह कर रोमी साम्राज्य को उकाड़ फेंकेगा और वह यरूशलेम का राजा बनेगा। जी हाँ, यूदस निश्चित रूप से यह मानकर चलता था कि यीशु की नई सरकार में उसे एक महत्वपूर्ण स्थान एवं पद मिलेगा। लेकिन जब उसने मरियम को यीशु के चरणों में महंगा इत्र डालते एवं यीशु को उसकी प्रशंसा करते पाया, जो कि लगभग 1 साल के वेतन के बराबर था, तो उसे शायद यह एहसास हो गया कि यीशु का राज्य बौद्धिक या राजनैतिक नहीं वरन आध्यात्मिक है। उसे मालूम हो गया कि यदि वह यीशु का अनुसरण करता रहेगा तो उसकी पैसे एवं पद की लालची इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अतः उसने पैसे और उनका समर्थन पाने के लिए यीशु के साथ विश्वासघात किया। बहुधा हम भी अपना काम नहीं बनते देख अपने स्वार्थ के खातिर लोगों का साथ छोड़ देते हैं। यदि हमारी इच्छाएं और लालसाएं पूरी होती हैं तो हम सामने वाले की प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन यदि हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य होने लगता है तो हम भी यूदस की तरह सामने वाले के साथ विश्वासघात करते हैं। यदि हम यूदस के जीवन पर गहनता से अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि यीशु के साथ यूदस का विश्वासघात करने के कई मकसद हो सकते हैं। मैंने कहा कि यूदस बहुत ही लालची व्यक्ति था। जैसे पैसा तथा पहचान पाने की लालसा, वह यीशु से घृणा और ईर्ष्या भी करता था होगा, क्योंकि यीशु योहन और पेत्रुस को अधिक प्यार करते थे। ये सारी भावना और बुराइयाँ
अन्य शिष्यों में भी थी, किंतु वे लालच, ईर्ष्या एवं घृणा की भावना को अपने मन तथा दिल से उखाड़ कर फेंक चुके थे और जीवन भर यीशु के सच्चे शिष्य बने रहे। लेकिन यूदा यीशु का शिष्य या अनुयायी बनने के उद्देश्य और इच्छा से नहीं, बल्कि उसने यीशु का अनुसरण अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया था। यूदा की ये सारी लालच, ईर्ष्या, घृणा की भावना यीशु को जान से मारने के लिए नहीं थी, उसे क्रूस पर चढ़ाने की नहीं थी। उसकी ये सारी भावनाएं, बुराइयां अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए थी, लेकिन उसकी यही स्वार्थ पूर्ति के पाप ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पर यीशु का प्राण लिया। और जब यूदा को यह पता चला कि उसके स्वार्थीपन ने ही यीशु को क्रूस पर लटकाया और उसके प्राण लिए हैं, तब उसे अपने पाप का एहसास हुआ। लेकिन इस पाप का एहसास करने के बावजूद भी उसने और एक बड़ा भयानक पाप किया। उसने यीशु से अपने गलती और पाप के लिए क्षमा या माफ़ी या दया नहीं मांगी और आत्महत्या की। भाइयों बहनों, आइए हम अपने दिल की जाँच करें कि हमारा यीशु के अनुसरण का मकसद या उद्देश्य क्या है। क्या हम भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लालच, ईर्ष्या, घृणा और बुराई जैसे भावनाओं से तो भरे हुए नहीं हैं? यदि हमारे हृदय में ये सभी बुराइयां हैं, तो हम भी हमारे पापों के कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसलिए आइए हम अपनी गलती, बुराई और पाप का एहसास कर यीशु से क्षमा मांगें, क्योंकि हम भी कई बार यूदा की तरह आचरण करते हैं। हमें अपने हृदय से यूदा के व्यक्तित्व को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। हम ख्रिस्तीय भी यूदा के समान कुछ पाने की इच्छा से प्रभु का शिष्यता ग्रहण करते हैं। जब हमें या हमारे घर के सदस्य को कोई संस्कार ग्रहण करना होगा, तो हम एक अच्छा शिष्य बनने की कोशिश करते हैं, और जब हमें संस्कार मिल जाता है, तो हम यूदा की भांति कलीसिया एवं ईश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं। हम प्रार्थना करें कि अन्य शिष्यों की तरह हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से यीशु के लिए समर्पित कर सकें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद।